और हमारे ऑफिसर्स जो हैं लॉ साइड से भी और हमारे डिपार्टमेंट साइड से भी ऑफिसर्स ने इसमें हिस्सा लिया, और उसमें हमने सारा जो जो भी भर्तियां हुई हैं उसका ओवरऑल व्यू तो लिया, लेकिन जो पोस्ट कोड 817 है उसका पूरा विस्तृत अध्ययन किया गया, क्योंकि उसमें जो है 2.25 लाख के आसपास बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था और 1 लाख से अधिक बच्चे उसमें एग्ज़ाम में बाद में बैठे थे, और उनमें से 4500 के आसपास बच्चे स्क्रीनिंग में पहुंचे और 1867 के आसपास जो है पोस्टें थी जिन पे सिलेक्शंस होनी हैं, और उसमें विजिलेंस का व्यू भी लिया गया, डिपार्टमेंट का व्यू भी लिया गया, और उसके बाद हमने पाया कि ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था प्रदेश में जिनके खिलाफ़ FIR हुई, लेकिन एग्ज़ाम बहुत बड़ा था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यूनानिमस व्यू है सबका कि हम 817 का जो रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर करने की रिकमेंडेशन फुल कैबिनेट के सामने और उसमें जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर करेगा कौन ये कंडक्टिंग एजेंसी करेगी, हमें पूरा करेगा ना नहीं, वो ये तो जिसको भी करना है सरकार के अपने जो है विंग्स हैं जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं वो अलग मसला है। सवाल अभी तक ये था कि क्या रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए या रोका जाए, तो उसका फुल लेंथ अध्ययन करने के बाद और इसका आकार देखते हुए कि कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, प्रदेश के यूथ ने को जो है नौकरी उपलब्ध हो और वो अननेसेसरली डिले होता जा रहा है, तो अगर 7 लोग इसमें शामिल पाए गए हैं अब तक या उनके खिलाफ़ जो है FIR हुई है उसे बाकी जो है बच्चे बच्चे जो हैं उनको नौकरी ना मिले लंबे अरसे तक, ये जो है न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए हमने तो एक जो है अब व्यू ले लिया है कैबिनेट सब कमेटी ने, हम अपनी रिकमेंडेशन फुल कैबिनेट को भेजेंगे और वहाँ पे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सर, इसके अलावा भी जो अन्य भर्तियां हैं जिनके परिणाम आने हैं उसको लेकर भी नहीं, कोई देखिए चर्चा? अभी हमारा ये कमेटी बनी है और इसकी समय समय पे मीटिंग्स होनी है, तो अभी तक हमने सिर्फ 817 का अध्ययन किया है, उस पर हमने रिकमेंडेशन दी है। और कोड भी है इसमें, GYT में ही अन्य कोड भी नहीं, है? अन्य कोड भी हैं और लेकिन ऐसा है कि कुछ में भर्तियां कुछ का एग्ज़ाम हुआ नहीं था और कुछ में जो है दूसरी कमेटी हैं उनके भी रिकमेंडेशंस हैं, वो आने वाले समय में अध्ययन करेंगे। आज क्योंकि जितना समय हमने इस डेलीबेशन के लिए निर्धारित किया था वो समय अब पूरा हो गया है और आगे हम माननीय मंत्रियों की अगली मीटिंग्स भी हैं, तो नेक्स्ट मीटिंग में बाकी एजेंडा कैरी किया जाएगा। आज की तारीख में हम 817 के रिज़ल्ट घोषित करने के पक्षधर हैं। ठीक।